हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता ही है कि कल है जितिया का नहाए खाए, है ना। जितिया का नहाए खाए है तो पंडित जी बैठे हैं, जो फौजी साहब है हमारे पिताश्री बैठे हैं, सब कुछ लेके जितिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और मम्मी हमारी आज से ही अस्वस्थ, हाँ। ऐसे हो गई है जैसे कि कल पता नहीं क्या होगा। सच में कल क्या होने वाला पता ही नहीं। मम्मी की हम तबीयत लग गई है, इस बार मम्मी आ जाइए, कल नहाए खाए। हाँ जी, हाँ जी, आइए, कल नहाए खाए उद्यापन करा देंगे। तो जितिया बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पावन होता है, हमारे व्लॉग्स में भी सभी पूछ रहे हैं, तो दीदी का व्लॉग देखिए, फटाफट दीदी डाल देंगी। कब डालेगी? कल डाल। एक संक्षिप्त इन्फॉर्मेशन आज मैं डाल दूंगा, तो ये पूरा व्लॉग कल डाल दूंगी। हाँ, तो हम सोच रहे हैं इस बार मम्मी का वो उद्यापन भी दिखाएंगे आपको, सारा चीज उद्यापन का कैसे होता है, नहीं होता है कि पापा अग्राइन होता है, जो पितरों के नाम से खाना भोजन कराया जाता है। हाँ, तो दादी के नाम पे मैं खाऊंगी और नानी के नाम पे कौन है, जगत मामी खाएंगी, नानी के नाम पे मामी खाएंगे, है ना। तो नहा के सुधोना, यानी सर से नहा खड़ी चढ़ाएंगे सब पितरों के नाम से, मतलब जितने जिनकी मदर इन लॉ नहीं है वो। अब जैसे मेरी है तो मैं नहीं चढ़ाती, और सारा दिन अपना जो है बिना लहसुन प्याज का शुद्ध खाना खाओ, पितराइन को खिलाओ। तो पितराइन को क्या क्या खिलाते हैं मम्मी बता दीजिए। पितराइन को हम सब तो सब मतलब सब शुद्ध खाना, मिथिला में चूरा दही या दाल चावल से कह रहे हैं, चूरा दही के ये सब इक्कीस को एकादशी भी है, 2022 21 तारीख सितंबर एकादशी भी पता चल गया है, इंद्रा एकादशी प्रथम। और ये दो पढ़ते हुए बच्चे आए हैं, नहीं बाहर बहुत ठंड है, आज मौसम बहुत अच्छा है, तो ये लोग ठंड से ठिठुरते हुए आए हैं। आज एसी नहीं करेंगे, आज कूल। और उसके अगले दिन यानी कि हम शुक्रवार की बात नहीं, शनिवार की सुबह सुबह। हाँ, कल फ्राइडे भी है इस बार, सब कुछ पापा अच्छे से आप अनशन जो है 5:15 बजे दिल्ली वाले करेंगे, 6:08 तक, 6:07 में सूर्योदय है, आधा घंटा पहले आप लोग अंकन कर लीजिए। 5 बजे बस सूर्यास्त में कौन खाता है, सूर्योदय से पहले आप कर लीजिए, बस इतनी समझ। सो बिफोर मूविंग अहेड, मैं आप सभी के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने मंगाया है पर्पल से। यस, यू आर राइट, मैंने किसी एक ब्लॉग में, जन्माष्टमी के ब्लॉग में आप सभी के साथ ये पैलेट शेयर किया था, जो कि मैं इससे मेकअप कर रही थी अपना, जो मैंने जन्माष्टमी का लुक है वो इसी पैलेट से क्रिएट किया था। यस, अब आप सभी कंफ्यूज होंगे कि मैं इसे क्यों इतना ज़्यादा शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आई लव्ड दिस पैलेट, बहुत ही अमेजिंग है। क्योंकि हम कभी मेकअप करते हैं तो पहले तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, ब्लश कौन सा यूज़ करें, कौन सा आई शेडो लें, कौन सा हाईलाइटर लें, इतनी वेराइटीज अवेलेबल है ना मार्केट में कि आप सभी कंफ्यूज हो जाओगे। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एवरी थिंग विच यू आर थिंकिंग, बिकॉज NY Babe प्रो पैलेट इज समथिंग जो जैसे बिगिनर्स है ना, मेरी तरह है, मतलब मैं अपने आप को बिगिनर ही समझती हूँ, बिकॉज मुझे मेकअप का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, स्टिल मैं अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। सो मैंने बहुत ही ज़्यादा डिस्कवरी के बाद ये पैलेट फाइंड किया, क्योंकि इसमें जो शेड्स है ना, देखो ये ब्राउन शेड है, ये लाइट पिंक है, ये थोड़ा पिंक हो गया, ये दोनों ब्लश में चल जाएंगे, ये हाईलाइटर की तरह यूज हो सकता है, ये आई शेडो, मतलब ये जो है ना, ये बेसिक आपकी नीड को फुलफिल करता है और प्राइस जो है अफोर्डेबल है। यस, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन कि ये जो नॉइस हो रहा है ना, ये थोड़ा अवॉइड करना, बिकॉज ये नीचे कोई वॉलीबॉल मैच चल रहा है, उसकी नॉइस है। तो जो इसका जो प्राइस है ना, वो बहुत अमेजिंग है, बिकॉज आप नॉर्मली अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और चेक करने जाओगे, हाईलाइटर्स ही 700-700 के आते हैं, और ब्लश तो पूछो ही नहीं, 400-500 तो नॉर्मल प्राइस है, जो एक ब्लश आएगा आपको एक शेड मिलेगा। और इसमें जो है आप सभी को कितने सारे शेड मिल रहे हैं, ऐसी 8 शेड मिलते हैं जिसे आप
हाइलाइटर की तरह यूज कर सकते हो, ब्लश की तरह यूज कर सकते हो, आई शेडो की तरह यूज कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे यूज करो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी से ही मैंने भी अपना लुक क्रिएट किया था जन्माष्टमी ब्लॉग में। तो एक बार और मैं इसके ना स्वैशेस दिखा देती हूँ कि कितना ही ज़्यादा अमेजिंग है ये। ये देखो कॉपर शेड है ये, और कितना ही ज़्यादा शाइनी है। गोल्डन शेड दिखाती हूँ मैं आप सभी को, ये देखिए गोल्डन शेड। मैं सिर्फ एक बार स्वॉश कर रही हूँ, सी दिस एन अमेजिंग। ऐसे ही मैं पहले पिंक दिखाती हूँ आपको, ये देखो पिंक। पहले ना पिंक से हल्का हल्का ब्लश भी करते हैं। मैं अभी कोई ब्रश या फिर ब्यूटी ब्लेंडर यूज नहीं कर रही हूँ, स्टिल देखो नेचुरल ग्लो। तो ये जो है बहुत अमेजिंग है। अगर आप सभी को ये बाय करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप सभी बाय कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। और ये अमेजिंग पैलेट जो है वो है NY बे का, जो कि मैंने पर्पल से बाय किया है। लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, नहीं तो आप डायरेक्टली जाके पर्पल से भी NY बे प्रो पैलेट टाइप करना, जरूर मिल जाएगा। और इसका मैं प्राइस बता दूं, इसका प्राइस आई गेस मुझे 529 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे 400 अप्रॉक्स में मिल गया था बिकॉज डिस्काउंट चलता रहता है। तो जरूर जाएं और बाय करें और मुझे रिव्यू शेयर करें। बाय। तो हम लोग पितराइन खाएंगे। पितराइन खाने के बाद, पितराइन तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन होते हैं। पितराइन होते हैं लेडीज को पितरों के नाम पे ही खिलाया जाता है, यानी मेरी दादी और मेरी नानी के नाम पे पितर मम्मी खिलाएगी। अभी मेरी मदर इन लॉ है इसीलिए मैं नहीं खिलाती हूँ, जिनकी मदर इन लॉ नहीं रहती है वो पितराइन खिलाती है ना। पितराइन खाने के बाद उसी दिन नहाए खाए भी होता है, तो अपना आराम से उस दिन शाम तक आप लोग शुद्ध खाना खा लीजिए। अशुद्ध भी खाते हैं कई जगह, मगर हम लोग शुद्ध ही खाते हैं, है ना। खाने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में यानी कि शनिवार को हमारा व्रत स्टार्ट होता है। हम 5 बजे तक चूरा दही वो कर लेंगे, अंगूठन, जिसको मिथिला में अंगूठन बोलते हैं, चूरा दही खा लेंगे। चूरा दही खाने के बाद क्या कहते हैं, पानी पी लीजिए जितना भी मन है। 5 बजे के बाद आपका फास्ट शुरू हो जाएगा, कुछ पूरा दिन रात पूरा कुछ भी नहीं। सैटरडे को पूरे दिन रहेगा फास्ट निर्जला, कुछ भी नहीं खाना पीना। संडे को 5:15 बजे तक आपका फास्ट होगा, हाँ 5:15 बजे शाम को। संडे को, संडे को भी पूरे दिन व्रत, पूरे दिन व्रत, हाँ 5:15 बजे के बाद आप क्या है। तो इसके बाद अपना खीरा अपुरी और अच्छात ये सब उसरगो चढ़ाओ, उसी चढ़वे कत्ता छे से कहीं धुरखुर पर, हम तो छत पर चढ़ा सो धुरखुर पर चढ़वे छे निचला खम्भा लगे, बीचला जो खम्भा होता है ना उसके पास चढ़ाते हैं धुरखुर की ले दुआर 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 पे आ फिर छत पर कहाँ कहाँ लोग ओहिना रहे छे छत पर न होए दुआरे पर मेन गेट पापा ने अब बता ही दिया आप लोगों को सारा, बहुत टफ होने वाला है तो देखिए क्या होता है। चढ़ा हम लोगों के पात पर चढ़ाओ या झिमनी के पात में तब हाँ। कल पितराइन खाएंगे, मुझे भी सब्जी का जुगाड़ पूछा जा रहा है। और चाय बन रही है तो चाय दिखाती हूँ आप लोगों को। छुटकी बना रही है हमारी चाय, ये रहा। अब आ गई हमारी छुटकी भी, सारा कुछ हो गया है। पापा निकल चुके और मैं भूल गई कि मुझे भी जाना है। अब कैसे जाऊंगी। चाय पी ली हम लोगों ने, बहुत बढ़िया चाय बनाया था छुटकी ने। चाय बनाने में एक्सपर्ट है ना, एकदम बढ़िया। और जितिया के लिए हम लोगों को अच्छे से विश करिए, अच्छा सा हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए। क्यों जेठकी क्यों छुप रही है? नहीं नहीं मैं छुप नहीं छुप नहीं रही है जेठकी। कान का पहना कि नहीं पहना, नहीं तो अभी कमेंट आने लगेगा पहन लिया। कान का पहन लिया तो अब हम चलते हैं, है ना। चल रही आप? चल रही। और आप लोगों को पता तो चल ही गया कि जितिया कब है, सब कुछ हो गया, चाय वाय पी ली मैंने। ये देखिए मम्मी बैठी हुई है, अब मैं निकलती हूँ। हो गई है शाम,
है ना। अब मिस्टर झा आने वाले होंगे या आ भी चुके होंगे, तो अब निकलते हैं। हमारे फौजी साहब तो चले गए, यहाँ पूजा भी हो रही है, और ये देखिए यहाँ पे पूजा भी हो रही है, पूजा चल रहा है, यहाँ खाने की तैयारी चल रही है। एग्जॉस्ट बंद कर देना, आज क्या बनेगा यहाँ भरता, बच्चों की डिमांड पे। अब बनाएंगी कौन, चाची? हाँ, चाची चाची। चलो अच्छा है, मामा जी से देखते हैं मामा जी क्या कर रहे हैं। अंधेरे में पकड़े गए, ये देखो ये दोनों भाई पढ़ने की बजाय मोबाइल देख रहे हैं, और ये व्लॉगिंग में आ गया है, दोनों की पोल खुल गई। अब देख लिया आप लोगों ने, ये दोनों का एकदम शांत हो गए बिल्कुल। चलो जा रही है बुआ, अब बाय कर दो, बाय करो, बाय, अभी बाय भी नहीं करेंगे। चलिए हम निकलते हैं, टाटा बाय बाय छुटकी टाटा। तो क्या करूं, नहीं जाऊं, नहीं जा रही, शाम हो गई है देखिए। हाँ बेटा ओके, मुझे लगा आप बोलोगे कि ये वीडियो मत डालना, वो तो मैं डालूंगी बेटा, इन सब में तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ठीक है, बाजार जाके झिमनी सिमनी तिमनी जो भी होगा हम ले लेते हैं। सिर्फ झिमनी लीजिएगा, बिमनी मिलेगा भी नहीं सच में, झिमनी का पत्ता कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। बैंगन पकी रहे थे भत्ता, हो जाता, खा के दो रोटी चली जाती। हमने खा लिया दो रोटी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बच्चे कितना शोर कर रहे हैं, बहुत खेलते हैं, आप नीचे नहीं उतरते,